शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। काफ और आने मजीद की कसम कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर खुदा हैं। लेकिन उन लोगों ने ताज्जुब किया कि उन्हीं में से एक हिदायत करने वाला उनके पास आया तो काफिर कहने लगे कि ये बात तो बड़ी अजीब है, भला जब हम मर गए और मट्टी हो गए तो फिर जिंदा होंगे? ये जिंदा होना अक्ल से बाईद है। उनके जिस्मों को जमीन जितना खा खा कर कम करती जाती है हमको मालूम है, और हमारे पास तहरीरी याददाश्त भी है। बल्कि अजीब बात यह है कि जब उनके पास दीन हक आ पहुंचा तो उन्होंने उसको झूठ समझा, सो ये एक उलझी हुई बात में पड़ रहे हैं। क्या उन्होंने अपने ऊपर आसमान की तरफ निगाह नहीं की कि हमने उसको क्यों कर बनाया और क्यों कर सजाया, और उसमें कहीं शिगाफ तक नहीं? और जमीन को देखो, इसे हमने फैलाया और इसमें पहाड़ रख दिए और इसमें हर तरह की खुशनुमा चीजें उगाई ताकि रुजू लाने वाले बंदे हिदायत और नसीहत हासिल करें। और आसमान से बरकत वाला पानी उतारा और उससे बाग और बुस्तान उगाए और खेती का अनाज और लंबी लंबी खजूरें जिनका गाभा तय बतय होता है। ये सब कुछ बंदों को रोजी देने के लिए किया है। और उस पानी से हमने शहर मुर्दा यानी जमीन उफ्तादा को जिंदा किया, बस इसी तरह कयामत के रोज निकल पड़ना है। उनसे पहले नूह की कौम और कुएं वाले और समूद झुटला चुके हैं, और आद और फिरौन और लूत के भाई और बन के रहने वाले और तुब्बा की कौम, गरज उन सब ने पैगंबरों को झुटलाया तो हमारी वईद भी पूरी होकर रही। क्या हम पहली बार पैदा करके थक गए हैं? नहीं, बल्कि ये असर नौ पैदा करने में शक में पड़े हुए हैं। और हम ही ने इंसान को पैदा किया है, और जो ख्यालात उसके दिल में गुजरते हैं हम उनको जानते हैं, और हम उसकी रगे जान से भी उससे ज्यादा करीब हैं। जब वो कोई काम करता है तो दो लिखने वाले जो दाएं बाएं बैठते हैं लिख लेते हैं। कोई बात उसकी जबान पर नहीं आती मगर एक निगहबान उसके पास तैयार रहता है। और मौत की बेहोशी हकीकत खोलने को तारी हो गई। ऐ इंसान, यही वो हालत है जिससे तू भागता था। और सूर फूंका जाएगा, यही अजाब की वईद का दिन है। और हर शख्स हमारे सामने आएगा, एक फरिश्ता उसके साथ चलाने वाला होगा और एक उसके अमलों की गवाही देने वाला। ये वो दिन है कि इससे तू गाफिल हो रहा था, अब हमने तुझ पर से पर्दा उठा दिया तो आज तेरी निगाह तेज है। और उसका हमनशीन फरिश्ता कहेगा कि ये आमाल नामा मेरे पास हाजिर है। हुक्म होगा कि हर सरकश नाशुक्रे को दोजख में डाल दो। जो माल में बुखल करने वाला, हद से बढ़ने वाला, शुभे निकालने वाला था, जिसने खुदा के साथ और माबूद मुकर्रर कर रखे थे, तो उसको सख्त अजाब में डाल दो। उसका साथी शैतान कहेगा कि ऐ हमारे परवरदिगार, मैंने इसको गुमराह नहीं किया था बल्कि ये आप ही रस्ते से दूर भटका हुआ था। खुदा कहेगा कि हमारे हुजूर में रद्द व कद न करो, हम तुम्हारे पास पहले ही अजाब की वईद भेज चुके थे। हमारे यहाँ बात बदला नहीं करती और हम बंदों पर जुल्म नहीं किया करते। उस दिन हम दोजख से पूछेंगे कि क्या तू भर गई, वो कहेगी कि कुछ और भी है, और बहिश्त परहेजगारों के करीब कर दी जाएगी कि मुतलक दूर न होगी। यही वो चीज है जिसका तुमसे वादा किया जाता था, यानी हर रुजू लाने वाले हिफाजत करने वाले से, जो खुदा से बिन देखे डरता रहा और रुजू लाने वाला दिल लेकर आया। इसमें सलामती के साथ दाखिल हो जाओ, ये हमेशा रहने का दिन है, वहां वो जो चाहेंगे उनके लिए हाजिर है। और हमारे यहाँ और भी बहुत कुछ है, और हमने उनसे पहले कई उम्मतें हलाक कर डाली, वो उनसे कुव्वत में कहीं बढ़कर थे, वो शहरों में गश्त करने लगे। क्या कहीं भागने की जगह है? जो शख्स दिल आगाह रखता है या दिल से मुतवज्जे होकर सुनता है उसके लिए इसमें नसीहत है। और हमने आसमानों और जमीन को और जो मखलूकात उनमें है सबको 6 दिन में बना दिया और हमको जरा भी तकान नहीं हुआ। तो जो कुछ ये कुफार बकते हैं उस पर सब्र करो, और आफताब के तुलू होने से पहले और उसके गुरूब होने से पहले अपने परवरदिगार की तारीफ के साथ तस्बीह करते रहो, और रात के बाज औकात में भी और नमाज के बाद भी उसके नाम की तंजीह किया करो। और सुनो, जिस दिन पुकारने वाला नजदीक की जगह से पुकारेगा, जिस दिन लोग चीख यकीनन सुन लेंगे, वही निकल पड़ने का दिन है। हम ही तो जिंदा करते हैं और हम ही मारते हैं,
और हमारे ही पास लौट कर आना है, उस दिन जमीन उन पर से फट जाएगी और वो झटपट निकल खड़े होंगे, ये जमा करना हमें आसान है। ये लोग जो कुछ कहते हैं हमें खूब मालूम है, और तुम उन पर जबरदस्ती करने वाले नहीं हो। बस जो हमारे अजाब की वईद से डरे उसको कुरान से नसीहत करते रहो।